पानीपत से जहां चिकन लेने गए एक युवक की हत्या का मामला प्रकाश में आया है। पानीपत से जहां कहासुनी के बाद चाकू से गोद गोद कर युवक की हत्या कर दी गई और इलाज के दौरान युवक ने फिलहाल दम तोड़ दिया है और पेट में चाकुओं से 5 से 6 बार वार किए थे और पिछले कई दिनों पहले ही कहासुनी भी हुई थी। तो मामला दर्ज कर जांच में पुलिस जुटी हुई है। तस्वीरें आपके सामने, तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से हड़कंप की स्थिति वहां पर देखने को मिल रही है। पानीपत से ये बड़ा मामला सामने आया जहां चिकन लेने गए हुए युवक पर चाकुओं से हमला किया गया और चाकुओं से गोद कर उसकी हत्या कर दी गई, जिसने इलाज के दौरान अपना दम तोड़ दिया और पेट में चाकू से लगभग 5 से 6 बार हमले किए गए थे। और पानीपत से अनिल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो अनिल, चिकन लेने गए युवक पर हमला करने का मामला प्रकाश में आया है, क्या कुछ जानकारी देना चाहेंगे? जी देखिए, मैं आपको जानकारी देना चाहूंगा। पानीपत के सेक्टर 29 स्थित फलोरा चौक पर एक चिकन कॉर्नर है जहां पर जो ये मजदूर है चिकन देने के लिए वहां पर गया था, जहां पर चिकन संचालक के साथ इसकी किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई थी और इसी के चलते जो उसका संचालक था उसने इस पर चाकू से एक के बाद एक वार किए, जिसके बाद गंभीर हालत में ये जो मजदूर है इसको इलाज के लिए सिविल अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां पर इसकी हालत को गंभीर देखते हुए डॉक्टरों ने इसे रेफर कर दिया था। फिलहाल इसका जो इलाज है वो पानीपत के एक निजी अस्पताल में चल रहा था, जहां पर इलाज के दौरान इसकी मौत हो गई है। फिलहाल जो पुलिस है उन्होंने परिजनों के बयान पर मामला दर्ज करके आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। जी फिलहाल अनिल, पुलिस प्रशासन का क्या कुछ कहना है कि कब तक उसे पकड़ लिया जाएगा आरोपी को? जी देखिए, पुलिस द्वारा जिस समय ये वारदात हुई थी उसी दिन परिजनों के जो बयान थे उनके आधार पर पुलिस द्वारा मामला दर्ज कर लिया गया था। हालांकि जो युवक है उसके बयान काफी लेट हुए थे और अब उसकी जो मौत हो चुकी है, तो पुलिस द्वारा इस मामले में पहले ही मामला दर्ज कर लिया है और पुलिस का कहना है कि जल्द ही जो आरोपी है उनको जल्द ही काबू कर लिया जाएगा। अनिल, आपने एक बात कही कि बयान में देरी हुई थी, तो आखिर किस वजह से ये देरी हुई, ये बात निकलकर सामने आई है? जी देखिए, जिस तरह से जो ये युवक है उस पर चाकू थे जो काफी हालत उसकी गंभीर थी, जिसके कारण युवक बयान देने की हालत में नहीं था और जैसे ही पुलिस ने पहले परिजनों के बयान पर मामला दर्ज किया था और युवक के इसमें बयान दिए गए हैं और फिलहाल जो पुलिस है उसके बयान के आधार पर भी आगे की कार्रवाई कर रही है और जल्द ही आरोपियों को पकड़ने का पुलिस द्वारा आश्वासन दिया जा रहा है। ठीक है अनिल, तो इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पानीपत से इस वक्त ये अहम जानकारी आपको बता रहे थे, जहां कहासुनी के बाद चाकू से गोद गोद कर युवक की हत्या की गई और इलाज के दौरान युवक ने दम तोड़ दिया।